हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे J&K हिस्ट्री के सेट 3 के बारे में। तो आज का हमारा जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का सेट 3 रहेगा। इसमें हम बेस्ट MCQs को डिस्कस करेंगे और JKSSP के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगर आप JKSSP के फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड पटवारी या किसी भी JKSSP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स के अंदर आपको J&K हिस्ट्री के रिलेटेड स्पेशली वहाँ पर आपको कॉम्पोनेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारी जो सीरीज है, सीरीज में हम कितने वीडियोज और लाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाएं। इसमें आपके 200 MCQs भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं और 500 तक भी आपके MCQs जो हैं हो सकते हैं। तो आज हमारा सेट 3 रहेगा J&K हिस्ट्री का। तो इसको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को और इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर जो होगा उसको आप बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन किए थे, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 जहाँ पे पूछा गया है, हु बिल्ट रणवेश्वरम टेम्पल एट जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के अंदर जो रणवेश्वरम टेम्पल है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह या महाराजा हरि सिंह। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा आपका आंसर सी, महाराजा रणवीर सिंह। तो महाराजा रणवीर सिंह इसका राइट आंसर है। तो जिनके द्वारा रणवेश्वर टेम्पल जो है जम्मू में बनाया गया। तो लार्जेस्ट जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। रणवेश्वर टेम्पल ये जम्मू का एक बिगेस्ट क्राउड पुलर है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एंशियंट श्राइन जो है इसको बनाया गया था 1883 में महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा एक MCQs में आपको 3 से 4 MCQs में कवर किए जाए, ताकि आपका जब भी आप कभी भी JKSSP के किसी भी एग्जाम में बैठो, स्पेशली आपकी J&K हिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से कवर कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 22, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। सो ऑप्शन है आपके पास, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या युवराज करण सिंह। तो जहाँ पे आंसर क्या रहने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। सो आंसर आपका रहेगा आंसर ए, यानी कि महाराजा रणवीर सिंह इसका राइट आंसर है, आंसर ए बने। तो महाराजा रणवीर सिंह जो थे, उन्होंने गद्दी पे जो बैठे थे थ्रोन इन 1857 आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह एंड रिमेन ऑन द सीट टिल 1885। ठीक है, तो जहाँ पे इनका जो शासन का रहा है 1857 से लेके 1885, यानी कि महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने गद्दी को संभाला था। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर ए बनेगा। तो पहले जहाँ पे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, युवराज करण सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा, फर्स्ट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर की, फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर J&K, ये आपको याद रखना, जी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। सो आंसर आपका जहाँ भी क्वेश्चन नंबर 22 का रहने वाला ए। तो ये महाराजा रणवीर सिंह जो है किसके बेटे थे, ये सन थे बेटे थे महाराजा गुलाब सिंह जी के। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको मैच करना है इन, जहाँ पे इसको मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे फाउंडर्स बताए गए हैं और जहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन कौन सी जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। सबसे पहले फाउंडर कौन है डोगरा डायनेस्टी के, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर है महाराजा गुलाब सिंह। यस, पहले का ए का क्या बनेगा, ए का 4 बनेगा। सेकेंड दारुल आलम, दारुल आलम क्या है, दारुल आलम किसके द्वारा जहाँ पे इसका ये किसके रिलेट करता है दारुल आलम, तो दारुल आलम रिलेट करता है महाराजा रणजीत सिंह के, यानी कि बी का क्या होगा, बी का आपका 1 होगा, ए का 4 बी का 1। सी मियाँ दीदू का जहाँ पे ये किससे रिलेट करता है, रेवेलियन ग्रुप आई हेड से, सो जहाँ पे क्या बनेगा, सी का 2 बनेगा। तो जहाँ पे देख सकते हैं ए का फोर का ही है, ए का 4 जहाँ पे है। तो डी का क्या बनेगा, ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या था, 1846। तो आंसर आपका डी का क्या बनेगा, डी का आपका 3 रहने वाला है। सो आंसर आपका आंसर पहला रहेगा। ठीक है, ए का 4 बी का 1 सी का, जहाँ पे देख सकते हैं ए का जहाँ पे 4 बी का आपका 1 आएगा, जहाँ पे आएगा सी का 2 रहेगा और आपका डी का रहेगा जहाँ पे डी का रहेगा 1846। सो आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आंसर बनेगा ए। थोड़ा सा जहाँ पे देख सकते हैं फाउंडर डोगरा डायनेस्टी की कौन है, गुलाब सिंह जी, तो दारुल अमन, तो जहाँ पे आ गया आपका महाराजा रणजीत देव। उसके बाद जहाँ पे मियाँ दीदो रेवेलियन ग्रुप हेड, उसके बाद ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर जी 1846, ये जहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। क्वेश्चन नंबर 24, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग।
तो जम्मू का जो नेम रखा गया है वो किस किंग के नेम पे रखा गया है? अग्निगिर, जम्बुलोचन, बाबरू बहन या जोग राय? सो इसका आंसर क्या रहेगा 24 का? सो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या रहने वाला, 24 का आंसर आपका बी रहेगा, यानी कि जम्बुलोचन इसका राइट आंसर। तो जम्बुलोचन के नेम पे पड़ा है जम्मू का नाम, तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बनेगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज़ द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी? देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? जीत सिंह थे, बैराम देव थे, ब्रज राजदेव थे या दुलीप सिंह थे? सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहने वाला है? आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा आपका जहाँ पे आंसर है जीत सिंह जो थे ये लास्ट रूलर थे देव डायनेस्टी की। तो जहाँ पे देख सकते हैं 1798 के दौरान रूल जो था रूल ऑफ जीत सिंह देव डायनेस्टी की थी फाइनली केम टू एन एंड, यानी कि जहाँ पे इनका शासनकाल खत्म हो जाता है एंड जम्मू बेंट इन टू द हैंड्स ऑफ सिख रूल। और इसके बाद जो है इसके बाद 1798 के बाद जम्मू के अंदर किसका रूल रहता है, किसका रूल स्टार्ट हो जाता है? सिख रूल स्टार्ट हो जाता है। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच रूलर रीन इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया स्पेशली जेके एसएसबी एग्जाम में, गोगार देव, जग देव, दामोदर दत्त या मालदेव? तो किसके शासनकाल के दौरान जो है जम्मू जहाँ पे कंसीडर किया जाता है गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू? सो आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर आपका 25 का रहेगा डी, मालदेव। मालदेव इसका राइट आंसर है। तो जहाँ पे देख सकते हैं मालदेव जो है उन्होंने वर्क किया किसके लिए, वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड एस्टैब्लिश जम्मू एज द डोगरा कैपिटल। और इनका जो टेन्यू रहा है बस प्रॉस्पीरियस, यानी कि एक पीसफुल टेन्यू रहा है इनका एंड रिकॉर्डेड एज अ गोल्डन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 27, गुरु गोविंद सिंह जी विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? यानी कि किस रूलर के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जी जो उन्होंने विजिट किया था जम्मू में? रंजीत देव, विजय सिंह, गुलाब सिंह या कपूर सिंह? सो आंसर आपका 27 का क्या रहेगा, तो 27 का आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे आंसर बी रहेगा, यानी कि गुजे सिंह। ठीक है, तो गुजे सिंह इसका राइट आंसर है। इनके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जी ने विजिट किया था जम्मू रीजन में। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा विजिट की गई थी जम्मू में किसके शासनकाल में, गजे सिंह के शासनकाल में। नो क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज कॉन्क्वर्ड बाय रणवीर सिंह? कौन कौन सी टेरिटरी जो थी कॉन्कर्ड की गई थी रणवीर सिंह के द्वारा? क्या गिलगिट की थी? बिल्कुल गिलगिट की गई थी। अस्तोर के बारे में हमने सुना नहीं पहले। हंजा नागर, बिल्कुल। सो आंसर आपका क्या बनेगा, ए एंड सी बनेगा। तो आंसर आपका डी बन जाएगा, यानी कि ए एंड सी इसका राइट आंसर। तो डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो गिलगिट, हंजा नागर रीजन वेयर इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह के शासनकाल में इसको जहाँ पे डोगरा एम्पायर में इनको ऐड किया गया, यानी कि इंक्लूड किया गया। नो क्वेश्चन नंबर 29, नेम द फाउंडर ऑफ दार डायनेस्टी इन जम्मू। दार डायनेस्टी जो जम्मू के अंदर थी उसमें उसके फाउंडर कौन थे? आजे दार थे, बजर दार थे, किरत दार थे या सूरज दार थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है जेके एसएसबी के। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या रहेगा, 29 का आंसर आपका डी रहने वाला है, यानी कि सूरज दार इसका राइट आंसर है। तो जहाँ पे देख सकते सूरज दार ने इस्टेब्लिश किया गया था दार डायनेस्टी को 430 AD में। ही रूल फॉर 55 ईयर टिल 485 AD। तो जहाँ पे देख सकते हैं 430 AD को उन्होंने जो रूल को इसको इस्टेब्लिश किया गया था दार डायनेस्टी को, और इनका जो शासन का रहा था वो 55 ईयर रहा था, टिल कहाँ कब तक, 485 AD तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वेर इज मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड? मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अनंतनाग, कठुआ, किश्तवाड़ या सांबा? तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है आंसर ही अनंतनाग के अंदर आपको देखने को मिलेगा मार्टन सन टेम्पल। तो जहाँ पे देख सकते हैं मार्टन जो सन टेम्पल है एक हिंदू टेम्पल है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ अनंतनाग इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। ठीक है, और इसको देख सकते हैं यहाँ पे डेट बैक टू द 8th century एंड बास डेडिकेटेड, जी किसको डेडिकेटेड है, सूर्या को डेडिकेटेड है, क्योंकि चीफ सोलर डाइटी है हिंदुज़म की। सूर्या इज आल्सो नोन एज, इसको इज आल्सो नोन बाय द संस्कृत लैंग्वेज, इसको इसका सिनोनिम क्या है, मार्टन इसका सिनोनिम। तो मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे है, अनंतनाग में, जो किसको डेडिकेटेड है, जो सूर्या को डेडिकेटेड है, जो बहुत बार जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु कंस्ट्रक्टेड रणबीर कनाल एंड प्रताप कनाल इन द यूटी ऑफ जेएंडके? तो किसके द्वारा रणबीर कनाल और प्रताप कनाल को कंस्ट्रक्ट किया गया था यूटी ऑफ जेएंडके में? महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या नन ऑफ 30? सो आंसर 31 का क्या रहने वाला है,
31st का आंसर आपका रहेगा आंसर बी, यानी कि महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में कंस्ट्रक्ट किया गया था रणबीर कनाल को और प्रताप कनाल को। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था रणबीर कनाल और प्रताप कनाल को जे एंड के यूटी के अंदर। नो क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग हूज रेन द यूटी ऑफ जे एंड के गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जेके एसएसबी के, किसके शासनकाल में जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया। ठीक है, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या महाराजा रणबीर सिंह। तो 32 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका रहने वाला है आंसर सी, महाराजा प्रताप सिंह इसका जो है राइट आंसर है। तो जहां पे देख सकते हैं महाराजा प्रताप सिंह जी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर को पहला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला मोहरा, और इट इज 22.5 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला टूवर्ड्स उड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हूज रीन इज डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमन अवार्ड ऑफ पीस इन राजदर्शनी। राजदर्शनी के अंदर किसके शासनकाल को दारुल अमन बोला गया है यानी कि अवार्ड ऑफ पीस बोला गया है, रंजीत देव, रिंचन, संग्राम राजा या सिहाबुद्दीन। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या रहेगा, 33 का आंसर आपका जहाँ पे आंसर ए रहने वाला है, रंजीत देव। ठीक है, तो रंजीत देव के शासनकाल को दारुल अमन अवार्ड ऑफ पीस इन राजदर्शनी में बताया गया। तो जहाँ पे देख सकते हैं राजदर्शनी रंजीत देव शासनकाल को उन्होंने दारुल अमन बोला है, अवार्ड ऑफ पीस बोला है। ही वाज आल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने इम्पोज बैन ऑन सती के ऊपर बैन किया और फीमेल इन्फेंटिसाइड को ये ऊपर भी बैन करने वाले कौन थे, रंजीत देव। तो इसलिए इनके शासनकाल को अवार्ड ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द एंग्लो सिख पार एंडेड विद विच ट्रीटी। तो एंग्लो सिख पार जो थी वो कौन सी ट्रीटी के अंदर यानी कि कौन सी ट्रीटी के बाद उसको खत्म किया गया, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 जहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ऑल ऑफ दिस। सो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका ए बनेगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 के दौरान जो एंग्लो सिख पार थी इसको खत्म किया गया। और जहाँ पे देख सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में सिख रोल जो है ये जहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है, और देन फॉलोड एंग्लो सिख वार होती है जब 1845-46 के दौरान, इन विच सिख वेयर डिफीटेड, जहाँ पे सिख रूल जो है इनकी हार हो जाती है और जो बार थी इसको ख़त्म किया गया और ट्रीटी को साइन किया गया, ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 किसके द्वारा, महाराजा दलीप सिंह के द्वारा। और देर आफ्टर जहाँ पे देख सकते हैं 1846 में सिख रूल जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है जम्मू रीजन के अंदर। द क्वेश्चन नंबर 36, विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर। तो कौन सी ट्रीटी के अंदर जो है कश्मीर को बेचा गया, किसको, महाराजा गुलाब सिंह जी को, ट्रीटी ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ जम्मू या ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो 36 का आंसर क्या रहने वाला है, 36 का आंसर आपका रहेगा आंसर डी, यानी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर जो है कश्मीर को दिया गया, किसको दिया गया, महाराजा गुलाब सिंह जी को। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसको बोलते हैं सेल ऑफ कश्मीर। और जहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स यहाँ पे एग्री हो जाते हैं, जितना भी हिली रीजन होता है ईस्ट ऑफ रिवर इंडस और वेस्ट ऑफ रिवर रावी इंक्लूडिंग चंबा टू गुलाब सिंह। और यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन, जहाँ पे होमवर्क है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसको कौन से साल साइन किया गया था, आप मुझे मंथ, डेट प्लस ईयर जहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नो क्वेश्चन नंबर 37, चश्मे शाही गार्डन इन कश्मीर वाज बिल्ट इन द ईयर। चश्मे शाही गार्डन जो है कश्मीर के अंदर इसको किस कौन से साल बनाया गया, 1560, 1632 या 1700। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 17 आपका आंसर जहाँ पे बनेगा आंसर सी, यानी कि 1632। तो आंसर आपका बनेगा सी। तो कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ शाह जहां, ये किसके बेटे थे, जहांगीर के बेटे थे, और इनका शासन जो रहा था वो 1628 AD से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जहाँ थे देख सकते हैं ये बात आल्सो, ये आर्ट लवर थे और इन्होंने चश्मे शाही गार्डन को बनाया थ्रू हिज गवर्नर अली मर्दान खान इन 1632 AD। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेके एसएसबी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। पहले अफगान गवर्नर कश्मीर के कौन थे, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दुल्ला खान या गुलाब सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो आंसर आपका क्या रहने वाला है, आंसर आपका रहेगा आंसर सी, अब्दुल्ला खान जो थे फर्स्ट अफगान गवर्नर थे कश्मीर के। ये आप देख सकते हैं जितने भी 28 पठान गवर्नर थे और डिप्टी गवर्नर थे इन्होंने रूल किया कश्मीर के ऊपर, और जहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल्ला खान इसाक अकासी ये फर्स्ट अफगान गवर्नर थे कश्मीर के। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर आपका जहाँ पे रहने वाला है सी। तो क्वेश्चन नंबर 39,
विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, किस रूलर को टाइटल दिया गया था सुल्तान शमसुद्दीन का, शाहमीर, जैनुलाबिदीन, अकबर या औरंगजेब। सो आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर आपका जहाँ पे ए रहने वाला है, यानी कि शाहमीर इसका राइट आंसर है। तो शाहमीर जो है इनको टाइटल दिया गया था सुल्तान शमसुद्दीन। तो जहाँ पे देख सकते हैं कोटा रानी, आफ्टर कोटा रानी जो नेक्स्ट रूलर थे कश्मीर के वो कौन थे, शाहमीर थे, उनको बोलते हैं सुल्तान शमसुद्दीन। हु फाउंडेड द शाहमीर डायनेस्टी, कब हुई थी, 1339। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द परवर सेनापुरा सिटी ऑफ श्रीनगर, इसमें से कौन सी किंग के द्वारा जो परवर सेनापुरा सिटी है उसको फाउंड किया गया था श्रीनगर में, परवर सेना फर्स्ट, परवर सेना सेकंड, अशोका या नानावतीज। तो 40 का आंसर क्या रहेगा, 40 का आंसर आपका रहेगा बी, यानी कि परवर सेना सेकंड। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। सो जहाँ पे देख सकते हैं परवर सेना के जो सेकंड थे, बस एबल रूलर एंड ही एक्सटेंडेड द स्टेट बाउंड्री स्टिल सौराष्ट्रा, और इसके साथ ही बिल्ट हिज कैपिटल, इसका नाम था परवर सेनापुरा, जिसको मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो जे एंड के हिस्ट्री के रिलेटेड, जो आज इस वीडियो के अंदर हमने अगेन 20 MCQs को डिस्कस किया। इसमें आपके जितने भी हमारे से एक्सप्लेनेशन हो सकती थी उसको आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। तो इसमें अभी तक मैंने पर्टिकुलरली अपने थंबनेल के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया है कि हम कितने क्वेश्चंस को करेंगे, बट जहाँ पे मैं आपको जहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस और क्वेश्चन जो है जे के एस एस बी से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और जितनी भी सीरीज लंबी होगी, चाहे वो 8 वीडियो हो चाहे वो 10 वीडियो हो, कम से कम मोर देन हम 500 क्वेश्चन करेंगे। और मिनिमम जहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा, जितने हमसे क्वेश्चन बनेंगे हम मोर देन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके 500 क्वेश्चन जो है आपके जे के एस एस बी के जरूर आपको जे एंड के हिस्ट्री के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, कैसी लग रही है आपको हमारी सीरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं सीरीज को मैं और कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी जो है राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।